हेलो दोस्तों, स्वागत है आर्यन टीवी के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसा शहर के बारे में जो अपनी प्राचीन मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाते हैं। एक ऐसा शहर जिसके रग रग में इतिहास की वो बूंदे छुपी है जो इसके महत्वपूर्ण सुगंध दुनिया भर में है। यह शहर भारत के पहला स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाते है। साथ ही यह शहर भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्वी भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक भुवनेश्वर के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर भारत के सबसे खूबसूरत और शांति प्रिय शहर में से एक है। साथ ही ये उड़ीसा की राजधानी भी है। 422 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला ये शहर। इसकी आबादी 12,98,000 है, जो की उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की शिक्षा 95% है, जिससे हमें पता चलता है की यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट्स के अनुसार यह भारत के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। दोस्तों, यहाँ के प्राचीन मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ सनातन धर्म से जुड़े काफी ऐसा तथ्य है जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित करते है। दोस्तों, भुवनेश्वर का नाम तिनी लोगों के देवता भुवन के नाम पे रखा गया है। दोस्तों, इस शहर को भारत का पहला स्मार्ट सिटी के रूप से जाना जाते है। यहाँ कई सारे आईटी पार्क, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन और ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे विकसित किया गया है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें यह पता लगता है कि इसका इतिहास महान सम्राट अशोका से संबंधित है। सम्राट अशोक, जिन्होंने एक समय में भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों को भी अपने अधीन किया था। विश्व कलिंग मौर्य युद्ध के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें सम्राट अशोक ने पूरे कलिंग को तबाह कर दिया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस बात से आहत होकर सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना कर शांति के मार्ग में जाने का फैसला किया था। उस कालखंड के दौरान यहाँ अद्भुत कलाकृति वाले मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो कि आज भी यहाँ मौजूद है, जिस वजह से ये टेंपल सिटी के नाम से भी जाना जाते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर ओडिशा सिनेमा यानी बॉलीवुड का घर है। साथ ही ये स्पोर्ट कैपिटल ऑफ ओडिशा के नाम से भी जाना जाते है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भुवनेश्वर यानी ओडिशा हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को प्रमोट करने वाला भारत का पहला राज्य है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भारत का सबसे लीस्ट करप्टेड स्टेट में से एक है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पिछले 22 साल से यहाँ केवल एक ही सीएम है, श्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने 22 मार्च 2000 को यहाँ के सीएम ऑफिस ज्वाइन किया था और वो आज तक यहाँ के सीएम है। दोस्तों, यहाँ के आधिकारिक भाषा उड़िया और इंग्लिश है, लेकिन यहाँ बंगाली, हिंदी और तेलुगु भाषा भी काफी प्रचलित है। शिक्षा स्थलों की बात करें तो यहाँ IIT, IIM, NEET, IIIT और JBR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्रशिक्षण संस्था यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग काफी शांति प्रिय और सभ्य व्यवहार के होते हैं। यहाँ आपको कभी भी किसी बात की परेशानी नहीं होगी। यहाँ की मेहमान नवाजी आपको हमेशा याद रहेगी, साथ ही यहाँ के खूबसूरती का अनुभव आपको यहाँ आने के बाद ही महसूस होगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए, जिसमें लिंगराज टेम्पल, श्रीराम टेम्पल, परशुरामेश्वरा टेम्पल, स्कॉन भुवनेश्वर और यहाँ के पिकॉक वैली में आप घूमने जा सकते हो। दोस्तों, राष्ट्रीय हाईवे की बात करें तो राष्ट्रीय मार्ग 16 इस शहर से होकर गुजरते है। साथ ही भुवनेश्वर अपने पड़ोसी शहर पुरी और कटक से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा की बात करें तो शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।